आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास 11 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के यूनिट 1 के चैप्टर 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स आउटपुट डिवाइसेस CMOS एंड BIOS के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की, कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस का क्या यूज़ होता है। So we can say that devices are produce result is called output devices. कंप्यूटर की जिन हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से हमें आउटपुट या रिजल्ट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है वो हमें मॉनिटर पर शो होता है, जिसको केवल हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, नॉट कैन बी टच, और वो भी तब तक जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही हम कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं, सॉफ्ट आउटपुट हमारा भी ऑफ हो जाता है। जबकि प्रिंटर क्या है, हमें एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ने पर हम कभी भी उसको पढ़ सकते हैं या छू सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी एक मॉनिटर और एक प्रिंटर होता है। मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है और प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। इन दो डिवाइसेस के अलावा भी कई सारी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, जैसे स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर। स्पीकर की हेल्प से हम वॉइस आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अगर हम कंप्यूटर पर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उसकी जो साउंड हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलती है वो स्पीकर के हेल्प से मिलती है। प्रोजेक्टर क्या है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है जो हमें एक लार्ज स्क्रीन के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। प्रोजेक्टर में एक लेज़र बीम निकलती है, जो लेज़र बीम लाइट जो है जिस भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वहाँ पर वो एक अपना आउटपुट क्रिएट कर देती है। प्लॉटर का यूज़ कंस्ट्रक्शन मैप, इंजीनियरिंग मैप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ये था कि हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। तो सबसे पहला यहाँ दे रखा है मॉनिटर। मॉनिटर को क्या है, हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब ये हमें एक जो अपना आउटपुट है वो विजुअल फॉर्म में हमें देता है, और ये क्या है, एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है हमारी, जहाँ पर हम अपना आउटपुट देखते हैं, और ये एक टीवी की तरह दिखता है। अब जो आउटपुट की जो डिस्प्ले होती है
वो तीन तरीके की होती है, पहला हमारा CRT, दूसरा LCD, तीसरा LED। ये जो हमारा टेलीविज़न टाइप जो मॉनिटर दिखता है इसको हम CRT मॉनिटर कहते हैं। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। जैसे ओल्ड टेलीविज़न में पिक्चर ट्यूब यूज़ होती थी, वही मेथड उसमें उसी टाइप का ट्यूब इन मॉनिटर्स में भी यूज़ होता है, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ये वाले मॉनिटर हमारे LCD या LED मॉनिटर कहलाते हैं। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। LCD और LED मॉनिटर में डिफरेंस ये होता है कि LCD मॉनिटर की कंपैरिजन में हमें LED मॉनिटर पर आउटपुट एक हाई डेफिनेशन में दिखता है, इसकी विज़न क्वालिटी अच्छी होती है, और पावर की अगर कंपैरिजन करें तो LED जो हमारे मॉनिटर्स होते हैं ये इनको ऑपरेट करने में इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज़ होती है। तो ये थे हमारा मॉनिटर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम प्रिंटर की। प्रिंटर क्या करता है, हमें ऑन पेपर प्रोड्यूस आउटपुट करता है, और इससे जो हमें आउटपुट मिलता है हम उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। यहाँ पर मेनली तीन टाइप के प्रिंटर यूज़ होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इस टाइप का प्रिंटर आप रेलवे या बिलिंग सिस्टम पर देख सकते हो, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंट कहलाते हैं। और इसमें जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो रिबन एंड हैमर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे अगर आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा तो देखा होगा टाइपराइटर में क्या होता है, एक रिबन लगा रहता है, उसके पीछे पेपर को फांस करके उस पर जब हम कोई की स्ट्रोक करते हैं तो वो उस रिबन से टकराती है, फिर वो उस पेपर पर प्रिंट होती है। तो वही सेम टेक्नोलॉजी हमारी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होती है। इसकी जो क्वालिटी प्रिंटिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। और जो इससे जो हमें आउटपुट मिलता है उसमें स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिखते होंगे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम रेलवे से कोई टिकट लेते हैं तो उसके बैकग्राउंड में डॉट 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 से दिखते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि हमारा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें इंक का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि इंक की बॉटल इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। और इनकी क्वालिटी कंपैरिजन अगर हम डॉट मैट्रिक्स से करें तो थोड़ी बेटर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर हमारा लेज़र बीम पर वर्क करता है, ये वाला प्रिंटर हमारा लेज़र प्रिंटर कहलाता है। लाइक अ फ़ोटो स्टेट मशीन, जैसे आपने देखा होगा कि जब फ़ोटो स्टेट मशीन से जब कोई हमें फ़ोटो कॉपी कराते हैं तो उसमें क्या है, एक लेज़र बीम निकलती है। तो वही सेम टेक्नोलॉजी हमारी लेज़र प्रिंटर में यूज़ होती है। ये प्रिंटर बहुत फास्ट वर्क करते हैं और इनकी क्वालिटी भी हाई, प्रिंटिंग क्वालिटी भी हाई होती है, और प्रिंट करते समय ये ज़्यादा शोर भी नहीं करते। तो ये थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं CMOS। CMOS क्या है, ये जो बैटरी है इसका नाम है CMOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कंप्यूटर में कहाँ पर यूज लगी होती है, इसका यूज़ क्या है, तो कंप्यूटर में CPU कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर ये सेल लगा हुआ होता है, और इस सेल का काम कंप्यूटर की सेटिंग को मेंटेन करके रखना होता है, जैसे टाइम डेट एट्सेट्रा। आपने देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर में आप कितने बार भी टाइम और डेट सही कर लो लेकिन वो सही नहीं रहता। तो ये इस बैटरी के डिस्चार्ज होने पे या इसके ख़राब होने पर इस सिस्टम की सेटिंग बिगड़ी रहती है। जैसे लाइक अ रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच हमें टाइम तब तक सही देता है जब तक उसमें सेल चलता रहता है। जैसे ही सेल हमारा ख़राब होता है रिस्ट वॉच हमारी रुक जाती है।
और सीमॉस का एक काम क्या है, ये बैकअप के लिए भी यूज़ होता है बायोस। अब बायोस क्या है, बायोस को की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हो, पावर बटन प्रेस करने से लेकर के डेस्कटॉप स्क्रीन आने तक जो टाइम लिया जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कंप्यूटर बूटिंग करता है। मतलब बूटिंग का मतलब क्या है, उससे में उस समय कंप्यूटर से जुड़े हुए जो भी डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको चेक करता है कि प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारी फाइल्स होती हैं उनको मेन मेमोरी में लोड करने का काम भी बायोस का होता है। तो इन सब के बैकअप के लिए भी क्या है, सीमॉस यूज़ होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।